In the previous video, I had talked about quantum theory, and according to quantum theory, nothing can be created without the presence of consciousness. Consciousness is must, it is mandatory for anything to exist. It means without the presence of consciousness, there will be, or you can say there are particles, subatomic particles in nature, but they don't take on any form. And if a consciousness comes into the picture, then all those subatomic particles take on a certain form, and in this way creation takes place. Now today, let us try to understand what are the basis of the whole creation, how creation takes place. Now let me ask Sharma ji, scientists say there are two things which are necessary for anything to exist. One is consciousness, yani chetan shakti, and the other is subatomic particles, the minute particles. What is the take, what is your take on the on this issue of creation from the yogic science point of view? योगिक साइंस जो है वो ये कह रही है कि जहाँ पर आत्मज्ञान की बात आती है वहाँ पे जो चेतन एक है, तो चेतन जो चेतनता उसकी दो अगले भाग में हो रही है वो केवल एक एक ही स्थिति है उसकी, तो एक स्थिति कोई चीज की क्रिएशन किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने जब एक से निर्माण नहीं हो सकता, किसी चीज का नहीं हो सकता, ये कोई फार्मूला है ही नहीं ऐसा अभी तक बना नहीं कि किसी एक चीज से आप किसी चीज का निर्माण कर लें। तो अगर एक से निर्माण करना है दो का, तो जब दो से निर्माण होता है, तो जब दो से जैसे निर्माण होता है तो दो की जिस वक्त बात आती है तो दो उसी के भाग, अगर दो भागों में वो आ जाए तो अंग और अंश बनाना है, और अंग जो है दोनों अंग कोई क्रिया करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो जैसे आत्मा है और परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा कोई कार्य करेंगे, तो उसमें कार्य में अगर उनका उद्देश्य सूक्ष्म में नहीं होएगा तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य उनका उद्देश्य वहां मौजूद नहीं है। तो इसलिए कोई भी कार्य आप कोई भी करोगे तो अनाशनाप कोई करोगे तो कुछ निर्माण हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पर आपके उद्देश्य नहीं, वहां पर आपका मूल जो था वो नहीं है, जो जीव आत्मा नहीं है, तो इसलिए वहां पर एक आत्मा में सूक्ष्म रूप में जीव आत्माएं छोटा रूप चाहिए, तो वो चाहिए, तो उसके वजह से ये आ जाता है कि ये मेरा उद्देश्य है, मैंने इसी चीज को बनाना है, तो वो छोटा है, वो जो सूक्ष्म है जीवात्मा, उसी चीज को वो बड़े आकार में आत्मा और परमात्मा, अर्थात अंडा मतलब मटेरियल जो वहां पे अंडा है आइटम, और जो परमात्मा जो उसकी शक्ति है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो या वो चुंबकीय सिस्टम रहे, तो वो उसकी जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो उसी चीज का निर्माण करेंगे जो वो पूर्व में उनका लक्ष्य है। अगर ये वहां मौजूद नहीं होगा, वो चीज मौजूद नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो दोनों स्थिति बना ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है, ये फार्मूला ही सही नहीं है, इसलिए तीनों का होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई चीज का या किसी ग्रह या किसी भी आइटम का भी या किसी भी मतलब क्रिएटिंग करनी है, उसको निर्माण करना है, तो तीन का होना बड़ा जरूरी है, तो दो करें और तीसरा वहां पर मौजूद रहेगा, मौजूद रहेगा, उसी के कारण ये हो सारा बन पाएगा, अगर बनना बन नहीं सकता, ऐसा अभी तक कोई फार्मूला इस ब्रह्मांड में किसी भी ना योगिक साइंस में और ना ही आपकी मॉडल साइंस में बना है कि यानी कि तीन मूल स्थितियां चाहिए, तीन मूल स्थिति जी, एक तो जिसको साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, चेतन शक्ति कह रहे हैं, उसको हम परमात्मा कह रहे हैं उसको, एक ठीक है, और उसने अपने तरह के कई अपने तरीके का एक क्रिएट किया उसने, उसको आत्मा कह रहे हैं, उसको हम आत्मा कह रहे हैं, जो जी बेस है, बेस जो बेस है, बेस जो क्रिएशन का बेस है, ठीक है ना, और उसके अंदर जिसको साइंटिस्ट
कण कह रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं, ठीक है, हमारे यौगिक साइंस में उसको जीवात्मा कहा जाता है, उसको जीवात्मा, उसको जीवात्मा कहना है, ठीक है, जो प्लस के आकार का है, हाँ, वो सारी जीवात्मा है, जीवात्मा, ठीक है, तो तीन स्थितियां हैं, तीन स्थिति, बहुत सारी जीवात्मा है, हाँ, उसमें ठीक है, उस अंडे में, आत्मा में, बहुत सारी, उस आत्मिक एग में, ठीक है, और उसके जो वर्टिकल एग है, जो कॉन्शियसनेस, चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति परमात्मा, जो परमात्मा की है, तो तीन स्थितियां चाहिए, तीन स्थिति चाहिए किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी के लिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर वो जो तीसरी स्थिति दो अगर बनाए कोई चीज और उनके सामने किसी प्रकार का कुछ बनाने का कोई सोच ना हो या कोई चीज तय नहीं की गई है, तो वो कोई चीज बना नहीं सकते, उनको उनको अगर कोई चीज बना भी ली तो उनका उनको फीलिंग नहीं आएगी, आभास नहीं होएगा कि हमने कुछ बना लिया, क्योंकि आपने पूर्व स्मृति को खो दिया है, इसलिए अब आप कोई चीज बनाओगे तो आपको बनी हुई अनुभव में नहीं आएगी। ऐसा अभी तक ये फार्मूला ना तो योगिक साइंस में है और ना ही उसमें मॉडल साइंस में अभी तक आया बनाया गया कि अगर आप किसी चीज कोई चीज आपने बनाई है और पूर्व में उसका कोई आभास नहीं है तो उस आपको इसी स्थिति का बनी हुई का कोई आभास नहीं होगा कि आपने कोई चीज बना ली होगी, होगा तो बना ली होगी तो होगी। अच्छा, वैज्ञानिकों के समझने के लिए और बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, हाँ, बहुत से लोग वो ये समझना चाहते हैं, इसके अंदर एक प्रश्न हो सकता है कि जब परमात्मा की चेतन शक्ति है जी और जीवात्माएं भी हैं, जीवात्मा, ठीक है, तो उसकी इस आत्मा की जरूरत क्यों पड़ी फिर, कि इस आत्मा, आत्मा जो पड़ी हुई, जो पड़ा हुआ अंडा, अंडा, अंडा है, ठीक है, वो उस चेतन शक्ति ने ही उसको बनाया है या बनाया क्या, वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से उसका अंग है, उसका अंग है, अंग है उस चेतन का अंग है, वो चेतन का नहीं, उसका जीवात्मा का अंग है, जीवात्मा का अंग है वो, आत्मा, आत्मा उसका अंग है, एक, एक, एक भाग है उसका, उसका एक भाग, एक पड़ा हुआ भाग है, खड़ा हुआ दूसरा भाग है, परमात्मा दूसरा भाग है, तो इसकी इस आत्मा की इसलिए जरूरत पड़ी है कि कोई भी चीज अगर दृश्यमान होती है, पकड़ में आती है, छूने में, इंद्रियगत ज्ञानों से देखने में, छूने में, चखने में, स्पर्श होने में, अगर इन चीजों में, इंद्रियगत ज्ञानों में अगर कोई चीज आती है तो वहां पर उसका आधार अंडा ही होता है, आत्मा ही होती है, क्योंकि वो चीज ठोस परमात्मा की जो शक्ति है जिसमें गति है, शब्द है और ये क्या नाम शक्ति है, ये तीनों चीजों, तीनों चीजें जो तीनों आइटम उसके परमात्मा के हैं, ये किसी भी आधारित चीज पे तो कार्य कर सकते हैं, इनका अपना कोई ये अपना में की कोई गणित नहीं है, एक आधार शक्ति होनी चाहिए, ये एक आधार शक्ति पे ये कार्य कर सकते हैं, जो जीवात्मा है वो उसके आधार से, वो उसके आधार, आधार को के ऊपर तो ये अपना ताकत दिखा सकता है और अपने में ताकत दिखा, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं, दिखाते हो दिखाते रहो। इट मीन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एनीथिंग और यू कैन से इन ऑर्डर टू क्रिएट द होल यूनिवर्स देयर आर थ्री सिचुएशंस, देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू प्रेजेंट। वन इज द प्योर कॉन्शियसनेस व्हिच इज परमात्मा अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस, एंड द अदर वन इज आत्मा विच इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द जीवात्मा। सो देयर आर थ्री थिंग्स, जीवात्मा, आत्मा एंड परमात्मा। In the presence of these three things, the creation can take place according to yogic science. Thank you.